ऑलराइड हीज़ व्हाट्सअप एवरीबडी आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में मेरा नाम है सारविंद्र और आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. यहाँ मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स डालता हूँ और जो आज जो फ़ोटो का ट्यूटोरियल होगा वो कुछ यहाँ पे है जस्ट अभी लोड कर देता तो, हूँ इंटरनेट ऑन नहीं था ये कैरी वाली फ़ोटो है इसका ट्यूटोरियल होगा और फिर उसके बाद इसका पोर्ट्रेट रीटच आएगा और जस्ट ये फोटोशॉप के अंदर होगा और ये वाला पिक्सार्ट के अंदर है सो फोटोशॉप वालों के लिए भी ट्यूटोरियल आने वाला है सो ट्यून्ड आप सब चैनल पे सब्सक्राइब रहे हैं यार थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नए नए कन्सेप्ट बनाने पड़ रहे हैं और उसमें सब समझ सकते हो यार आप तो जंप करते हैं जल्दी से कैरी वाले ट्यूटोरियल की तरफ सो so, इसमें मोस्टली जो काम है ज़्यादातर वो कुछ इतना डीप वर्क नहीं है और कुछ इतना समझना नहीं है जस्ट कटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको ये फ़ोटो बनानी होती है इस टाइप की आ, तो यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये फोटो है और कैलिमनाटी का ये मैंने बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव कर रखा है आप सबके लिए स्टैम्प टूल से होता है अगर नहीं आता तो बहुत सारे बहुत सारे टुटोियल हैं इंटरनेट पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके फिर यहाँ से आपको अच्छे से प्लेस करना है जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने जस्ट पोज कर रखा था कि जैसे कैरी मिनाटी ने वे में कर रखा था तो रियलिज्म अचीव करने के लिए आपको फ़ोटो की मूड के हिसाब से अपने आप को क्लिक करना होता है सो जरूर चेक करें और कैसा बनता है वो ज़रूर देखें कि लाइक क्या और फिर मेन बात आती है कि आ, आप कैसे रखते हो अपनी फ़ोटो को लाइक अगर मैं इतना रखता हूँ अपने आप को मान लो मैं इतना रख के यहाँ कर देता हूँ फ़ोटो को डन तो ये एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से खराब है क्योंकि कैरिमनाटियो और मेरी हाइट अगर मैं मेज़र भी करूँगा शायद कैरिमाटी वाइफ बड़े होंगे और थोड़ा सा मतलब हाइट में डिफरेंस आएगा लाइक ऐसे अगर मैं अगर मेज़र भी करूँ तो थोड़ा छोटा रखा है मैंने अपने आप को उस वे में और फिर यहाँ थोड़ा सा कि पैर के पास आ जाऊँ और जैसे बॉडी ओवरलैप होती है यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गई है ओवरलैप लाइक फिंगर्स या पैर इधर की साइड आ गए हैं तो उससे रियलिज्म अचीव होता है क्योंकि आप दूसरे की बॉडी को ट्रैपास कर रहे हो ट्रैपास नहीं मुझे कोई टर्म नहीं पता जस्ट उसके ऊपर आ रहे हो तो वहाँ कटिंग दिखती है और वहाँ से रियलिज्म अचीव होता है क्योंकि जस्ट एक नॉर्मल सा बताऊँ तो जैसे हम डूल पोज करते हैं तो डूल पोज के अंदर कभी हमारा ऐसे नहीं रहता कि बिल्कुल यहाँ पे है और यहाँ पे है उसके लिए हमें जस्ट ओवरलैप करना पड़ता है अब यहाँ मेरा हैंड ओवरलैप हो रहा है भाई के उस पर तो ये एक रियलिज्म टाइप सा मूड क्रिएट हो जा रहा है इसमें ठीक है और अगर मैं यहाँ इतना बड़ा कर दूँ अपने आप को तो भी रियलिज्म अचीव नहीं है सो so, आप ज़रूर चेक करें कि आप कितना फोटो को रख रहे हो कितने हाइट के हिसाब से रख रहे हो और क्योंकि मैं कैरी से थोड़ा सा आगे बैठा हूँ तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा छोटा रहना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आई आई लेवल से भी आप देखोगे तो ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे दो चार चीज़ें हैं आपको दिख रहा होगा कि मेरी कलर टोन और कैरीवाई के कलर टोन में बहुत डिफरेंस है तो यहाँ से आपको जाना है एडजस्ट में और एडजस्ट में आपको ह्यू से एडजस्ट करना है ह्यू जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा रहेगा तो ह्यू से आप सबसे पहले स्लाइड करके देखते रहें कहाँ जा रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ प्लस टू या थ्री पे लेके जा रहा हूँ तो मेरी स्किन टोन भाई से मैच हो जा रही है बहुत हद तक तो यहाँ अगर मैं ज़्यादा भी ऊपर जाऊँगा तो बेकार रहिए तो यहाँ मेरे को टू या थ्री तक रखनी है अपनी स्किन टोन आप देख सकते हो कि अब जो स्किन टोन मैच हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है उसके बाद अगर कहीं आपको लगता है कि हाँ मेरी फ़ोटो थोड़ी ख़राब है तो आप यहाँ से टेम्परेचर में भी आ सकते हैं टेम्परेचर भी आपको बहुत हेल्प करेगा फ़ोटो को रियलिज्म अचीव कराने में तो यहाँ मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ और थोड़ी सी ब्राइटनेस अप कर देता हूँ क्योंकि कैरी बाई थोड़े से ब्राइट दिख रहे हैं ब्राइट पॉइंट टू का फर्क और फिर कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट में आपको देखना होगा जो यहाँ ब्लैक है वो आपके ब्लैक से मैच हो रहा हो ज़्यादा भी ऐसा वाइट नहीं करने का और ज़्यादा भी ब्लैक नहीं लेके जाने का ऐसा सिंपल थोड़ा सा मतलब प्लस फाइव प्लस थ्री तक तो यहाँ आप देख सकते हो अब फोटो बहुत हद तक सिमिलर सिमिलर लग रही है ठीक है अब जो करना है वो है बाकी कलर ग्रेडिंग और वो जाके हम करेंगे कलर ग्रेडिंग डायरेक्ट उसके अंदर लाइट रूम के तो यहाँ मैं सेव कर देता हूं और तब तक यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यहाँ ये यह ओपन हो रहा है जब तक तो यहाँ ऐड कर देता हूँ और फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन थोड़ा कह रही है कि फोटो कहाँ गई ये अब जो मुझे टोन अचीव करना है वो है थोड़ा फेडी टाइप सा और ग्रीनी टाइप सा कई बंदों को ग्रेन्स नहीं पसंद होते कईयों को पसंद है मेरे को ग्रेन्स अपने पर्सनल वे में बताऊँ तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कई लोगों को ग्रेन्स अच्छे लगते ही नहीं हैं तो यार मैं उस चीज़ का तो कुछ उपाय नहीं बता सकता कि आपको ग्रेन्स अच्छे नहीं लगते हैं लाइक आपको यूज़ करने चाहिए ग्रेन्स और यहाँ पर होता है इससे क्या होगा रियलिज्म अचीव होगा लाइक आप गैरीवाई गैरीवाई की फोटो में देख सकते हो यहाँ पर तो यहाँ ग्रेन है पूरे फोटो में और यहाँ मेरे फेस पे कोई ग्रेन नहीं है तो मुझे थोड़ा सा अमाउंट डालना पड़ेगा कि बराबर हो जाए वो सो so, इसलिए मेरी फ़ोटो नेट पे ग्रेन ही डली थी ठीक है अब उसके बाद जो यहाँ कलर ग्रेडिंग है उसमें मिक्स में आना है और फिर यहाँ से ग्रीननेस पूरी हटा देनी है ऑल द वे अप सचुरीशन हटा ही देनी है उसकी और रखना नहीं है थोड़ा सा अभी इसे ब्लैक की साइड आपने पुश करना है ठीक है अब उसके बाद जो ब्लू थे कैरी भाई के तो उसको थोड़ा मैंने लाइक हल्का सा ऐसा टोन दिया था और फिर ये अब येलोनेस थोड़ी लग रही है मुझे ज़्यादा तो येलो की तरफ मैं बढ़ूँगा और इसे कम करूँगा क्योंकि येलो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए और इसे जितना ड्रैग करूँगा उतना नीचे उतना सही रहेगा ठीक है अब मेरे स्किन टोन जो है ऑरेंज कलर वो थोड़ा मुझे परफेक्ट करना है लाइक रियलिज्म के लिए थोड़ा सा मैं और ग्रीन की तरफ शिफ्ट करूँगा और थोड़ा प्लस रहेगा ये तो मेन बात है कि आपको कलर ग्रेडिंग का पक्का ध्यान रखना है कलर ग्रेडिंग अगर ख़राब हो गई तो आपकी फ़ोटो बेकार लगेगी ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेन को थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हो लाइक अच्छे से और फिर रफनेस पूरी इंक्रीज़ कर देना अगर फ़ोटो थोड़ी डंप सी लग रही है मतलब मैच नहीं हो रही है रफ़नेस बहुत काम करता है लाइक अगर फोटो आपको एच क्वालिटी में मिलती है तो आपको ग्रेन यूज़ करने का कोई मैटर नहीं है फिर विंटेज की तरफ बढ़ते हैं विंटेज से बहुत प्यारा लुक आ जाता है तो थोड़ा सा विंटेज मैंने अपनी फोटो में भी डाला था और फिर उसके बाद यहाँ ये कंप्लीट हो गई है और स्प्लिट टोनिंग की तरफ बढ़ते हैं अब हाइलाइट्स में थोड़े आ, मैंने जो कलर रखा था वो थोड़ा सा ग्रीन की तरफ था हल्का सा बिल्कुल टच अब तो इतना पॉइंट बस मैंने रखा है और बैलेंस करके इसे देखना है कि कहाँ आपको लग रहा है और फिर उसके बाद डन कर दिया मैंने और फिर शेयर करके सेव टू डिवाइस एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो भी पी एन जीज हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं इज़िली मीडिया फायर से है और टेलीग्राम ग्रुप पे है एंड वेबसाइट भी जल्दी आने वाली है सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग थैंक यू गाइज